वेलकम बैक। चलिए अब अर्डिनो बोर्ड्स में कोड अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एंड का कोड है, तो इसको अपने अर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और डिज़ाइन का डाउनलोड लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा हैंड जेस्चर का कोड है, तो इसमें सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी इनिशियलाइज़ की हुई है एक्सटर्नल सीरियल इनिशियलाइज़ करने के लिए। इसके लिए हमने पिन्ने कॉल करवाई हुई है 2 और 3। इसके बाद वॉइल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद MPU 6050 एक्सेलेरोमीटर का एड्रेस दिया हुआ है। इसके बाद एक्स वाई जी की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद फ्लैग की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद अवॉर्ड सेटअप है। अवॉर्ड सेटअप में सबसे पहले सिंपल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज़ किया हुआ है 9600। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद BT सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज़ किया हुआ है 9600। इसके बाद वॉइल के थ्रू MPU 6050 इनिशियलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पर 500 मिलीसेकंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम रीड एक्सेलेरोमीटर के फंक्शन से एक्स और वाई की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स की वेरिएबल रोबोट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने के लिए यूज़ की हुई है। इसी तरह ही लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए वाई की वेरिएबल यूज़ की हुई है। जैसे ही एक्स और वाई की वेरिएबल सेंटर में होती हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर रोबोट को स्टॉप करने के लिए BT सीरियल पे एस राइट किया हुआ है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। 100 मिलीसेकंड डिले पे ये लूप रन होता रहेगा। तो यहाँ से नीचे रीड एक्सेलेरोमीटर का फंक्शन है, जहाँ से हम एक्स वाई और जी की वेरिएबल एक्सेलेरोमीटर से रीड कर रहे हैं। इसको हम मैप कर रहे हैं एक्सेलेरोमीटर से। जो वेरिएबल रीड हो रही है -17000 से +17000 में होती है, तो उसको हमने 0 से 180 डिग्री में चेंज किया हुआ है। यहाँ से हम एक्स वाई और जी की वेरिएबल अपडेट कर देते हैं और इनको हमने सीरियल के ऊपर राइट किया हुआ है। तो ये था हमारा हैंड जेस्चर का कोड। चलिए अब इसको अर्डिनो नैनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है अर्डिनो नैनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है और यहाँ पर आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। तो जैसा कि हमने ये कोड अर्डिनो नैनो में अपलोड करना है, तो अर्डिनो नैनो की कॉम पोर्ट 10 शो हो रही है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। चलिए अब रिबोट वाला कोड ओपन करके रिबोट में अपलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा रिबोट का कोड है, इसको भी आपने अर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। तो रिबोट के कोड में भी सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी ब्लूटूथ के लिए इनिशियलाइज़ की हुई है और इसके लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है 2 और 3। इसके बाद L298 के लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है 10 से लेके 5 तक। इसके बाद BT डाटा की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद स्पीड की वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है, जो कि 150 की इक्वल है। इसके बाद अवॉर्ड सेटअप है। अवॉर्ड सेटअप में सबसे पहले सिंपल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज़ किया हुआ है। इसके बाद BT सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज़ किया हुआ है। इसके बाद L298 के लिए जो 6 पिन इनिशियलाइज़ की हैं, आउटपुट मोड में इनिशियलाइज़ की हुई हैं। इसके बाद 200 मिलीसेकंड का डिले है। 200 मिलीसेकंड डिले के बाद अवॉर्ड लूप में चले जाते हैं। तो अवॉर्ड लूप में सबसे पहले हमने BT सीरियल को रीड किया हुआ है। BT सीरियल से जो भी डाटा रीड होगा, उसको हम BT डाटा की वेरिएबल के इक्वल कर देंगे और साथ ही हमने BT डाटा की वेरिएबल को सिंपल सीरियल पे राइट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने BT डाटा की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर BT डाटा की वेरिएबल F की इक्वल होगी, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल करवाना है और स्पीड की वेरिएबल को 180 की इक्वल कर देना है। जैसे ही हम हैंड जेस्चर से एक्स की वेरिएबल को 60 से ड्रॉप करते हैं, तो हैंड से रोबोट को कमांड मिलती है F की। और यहाँ पर जैसे ही F की कमांड रिसीव होती है, तो यहाँ से हम फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल करवा देते हैं, तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हैंड जेस्चर से एक्स की वेरिएबल 130 से ओवर जाती है, तो उस कंडीशन के ऊपर BT डाटा की वेरिएबल पे B रिसीव होता है। उस कंडीशन के ऊपर हमने बैकवर्ड का फंक्शन कॉल किया हुआ है। इसी तरह ही अगर Y की वेरिएबल 60 से ड्रॉप होती है, तो उस कंडीशन के ऊपर BT डाटा की वेरिएबल पे L रिसीव होता है। तो उस कंडीशन के ऊपर रोबोट हमारा टर्न लेफ्ट हो जाता है। इसी तरह ही अगर हैंड जेस्चर से Y की वेरिएबल 130 से अबव जाती है, उस कंडीशन के ऊपर BT डाटा की वेरिएबल पे R रिसीव होता है, तो उस कंडीशन के ऊपर रोबोट को टर्न राइट मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद जैसे ही X और Y की वेरिएबल 70 और 120 के दरमियान होती है, तो उस कंडीशन के ऊपर BT डाटा की वेरिएबल पे S रिसीव होता है, तो उस कंडीशन के ऊपर हमने स्टॉप का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है, रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है। इसके बाद अनेबल A और अनेबल B की पिन पे हमने स्पीड की वेरिएबल राइट की हुई है। यहाँ पर रोबोट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने के लिए हमने ड्यूटी साइकिल 180 रखा है, यानी कि स्पीड को हमने थोड़ा सा कम किया हुआ है। रोबोट को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए ड्यूटी साइकिल 250 रखा हुआ है। इसके बाद 50 मिलीसेकंड का डिले है। 50 मिलीसेकंड डिले पे ये लूप रन होता रहेगा।
इसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड का फंक्शन है, लेफ्ट और राइट साइड की मोटरों की क्लॉकवाइज की पिनों पे हाई राइट कर रहे होते हैं तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव हो रहा होता है। इसी तरह ही बैकवर्ड मूव करने के लिए राइट साइड और लेफ्ट साइड की मोटर की एंटी क्लॉकवाइज की पिनों पे हाई राइट कर रहे होते हैं और क्लॉकवाइज की पिनों पे लो राइट कर रहे होते हैं तो रोबोट हमारा बैकवर्ड मूव हो रहा होता है। और टर्न राइट के लिए राइट साइड की मोटर की एंटी क्लॉकवाइज की पिन पे हाई राइट कर रहे होते हैं और लेफ्ट साइड की मोटर की क्लॉकवाइज की पिन पे हाई राइट कर रहे होते हैं तो रोबोट हमारा टर्न राइट हो रहा होता है। तो इस कंडीशन के ऊपर राइट साइड की मोटर हमारी बैकवर्ड पे मूव हो रही होती है और लेफ्ट साइड की मोटर हमारी फॉरवर्ड पे मूव हो रही होती है तो रोबोट हमारा टर्न राइट हो रहा होता है। इसी तरह ही लेफ्ट मूव करने के लिए राइट साइड की मोटर को हम फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं और लेफ्ट साइड की मोटर को हम बैकवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो रोबोट हमारा टर्न लेफ्ट हो रहा होता है। और इसी तरह ही रोबोट को स्टॉप करने के लिए राइट साइड और लेफ्ट साइड की मोटरों की पिनों पे लो राइट कर देते हैं तो रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है। ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको रोबोट के अर्डिनो यूनो के अंदर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है। यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है अर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा टूल्स में जाना है और यहाँ से आपने पोर्ट कन्फर्म कर लेनी है। अर्डिनो यूनो के लिए कॉम पोर्ट 22 शो हो रही है तो इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में जरूर आगाह करें। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।